उज्जैन गायत्री शक्तिपीठ के दिया ग्रुप के कार्यकारिणी मेंबर पिछले काफी दिनों से शासकीय हॉस्पिटल्स में उपचार करवा रहे मरीजों के लिए यथासंभव मदद तो कर ही रहे हैं, साथ ही अस्पतालों में जाकर मरीजों और उनके परिजनों के लिए खाद्य सामग्री और मनोबल बढ़ाने वाले साहित्यिक लगातार वितरण भी कर रहे हैं। दिया मेंबर कोरोना वॉरियर संध्या पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम उज्जैन जिले के शासकीय अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं, उपचार करवा रहे हैं, उनको आवश्यक वस्तु का वितरण कर रहे हैं और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और धैर्य बनाए रखने का आग्रह भी कर रहे हैं। और साथ ही संध्या पुरोहित ने यह भी बताया है कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर जैसे कि पुलिसकर्मी जो जगह जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हुए हारिए ना हिम्मत पुस्तकें का वितरण कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाए रखने का आग्रह कर रहे हैं। साथ ही में गायत्री परिवार के द्वारा कोरोना रूपी गंभीर महामारी से मुक्ति के लिए जन कल्याण की भावना से आने वाले 26 मई को विश्व स्तरीय ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है और इसके लिए यज्ञ सामग्री भी घर घर पहुंचाई जा रही है और इस संकट की घड़ी में गायत्री परिवार देश के साथ खड़ा है और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या किया जा रहा है, क्या है? अभी लॉकडाउन में जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन में भी और अभी सेकेंड लॉकडाउन में भी अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से निरंतर सेवा दी जा रही है, जैसे कि खाद्य सामग्री हॉस्पिटल में पहुँचाना और उसके साथ में यज्ञ सामग्री भी पहुंचाना। साथ में अभी हमने ये पहल की है कि हम ये जो किताबें हैं, सत साहित्य है, ये लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो रही है, मनोबल गिरता जा रहा है। इसीलिए अभी हम उनको ये जो पुस्तक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की, ये पुस्तक हम उन्हें अभी दे रहे हैं और उनका आत्मबल निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। और साथ ही उनसे अभी 26 तारीख को गायत्री परिवार की तरफ से ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ होने वाला है, तो उसमें हम उनको यज्ञ के लिए अपील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं प्राचीन सभ्यता के हिसाब से यज्ञोपैथी टेक्निक जो होती है उसमें औषधि के माध्यम से हम औषधि के धूम्र के माध्यम से वातावरण का परिशोधन करते हैं और अभी जो वातावरण में विषाक्तता फैली हुई है उसके शोधन के लिए यज्ञ सबसे अच्छा उपाय है। तो हम लोगों में ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ की प्रेरणा दे रहे हैं और हवन सामग्री पहुँचा रहे हैं और जो भी ये मैसेज देख रहा है उन सबसे भी हमें अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी ग्रह घर में गायत्री यज्ञ करिए और अगर इसकी सामग्री की आवश्यकता होती है तो आप शक्तिपीठ से मंगवा सकते हैं और इसी के साथ में कुछ साहित्य भी आप अध्ययन करिए और आपके अगर कोई पेशेंट हैं या आपके कोई भी परिजन हैं जो इस बीमारी से अभी लड़ रहे हैं तो उनका आत्मबल बढ़ाइए आप और उनको निरंतर आप मोटिवेट करते रहिए कि ये जंग हम जीत जाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।